का जंतर मंतर हो गया है सूना। कब जुटेगी भीड़? क्या टीम अन्ना के आंदोलन को धार दे पाएंगे रामदेव? दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे अन्ना के आंदोलन का शुक्रवार को तीसरा दिन है, लेकिन इस बार अनशन का रंग कुछ फीका सा है। आंदोलन के पहले दिन भी लोग उम्मीद से कम थे और दूसरे दिन भी लोग अनशन स्थल से नदारद ही रहे। बाबा रामदेव और टीम अन्ना के मुख्य सदस्य अरविंद केजरीवाल भी गुरुवार को आंदोलन से दूर रहे, इसलिए आंदोलन भीड़ जुटाने में असमर्थ रही। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को रामदेव आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। उनके आने को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि शायद पिछली बार की तरह इस बार भी अनशन स्थल पर वही भीड़ देखने को मिले। इससे ये बात तो साफ होती है कि आखिर टीम अन्ना को बाबा रामदेव के समर्थन की जरूरत पड़ ही गई। ऐसे में सवाल ये भी सामने आता है कि आखिर टीम अन्ना को लोगों का समर्थन जुटाने के लिए किसी और की जरूरत क्यों पड़ी? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम टीम अन्ना ने छेड़ी थी वो कहीं ना कहीं अब बदलती नजर आ रही है। लोगों का मानना है कि अब टीम अन्ना का एजेंडा ही बदल गया है। इन दिनों टीम अन्ना खुद ही विवादों में घिरी रहती है। ऐसे में लोकपाल बिल और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कायम रहकर आंदोलन जारी रखना टीम अन्ना के लिए खासा मुश्किल है। ये मतभेद अनशन के मकसद को लेकर है। टीम अन्ना के सदस्य प्रशांत भूषण और खुद अन्ना हजारे की इस मामले में अलग अलग राय है। गौरतलब है कि बुधवार को अनशन के पहले ही दिन आंदोलन में असमंजस और अस्पष्टता भी खुलकर दिखाई दी, जहां पूरी टीम भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ SIT की मांग करती रही, वहीं अन्ना आंदोलन की तीनों प्रमुख मांगों पर पूरी तरह चुप भी साधे रहे। इसकी बजाय वे लोकपाल का ही राग अलापते रहे। तो खुद ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या रामदेव अनशन में भीड़ जुटा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV।